अपनी मांगों को लेकर जेवीटी संघ सड़कों पर उतरे और एक रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम ऊना को एक ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग ये है कि हिमाचल प्रदेश जेवीटी बेरोजगार संघ एनसीटीई को 28 जून 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक तक बीएड को जेवीटी के पदों पर नियुक्ति के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कुछ बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को अस्थायी रूप से जेवीटी के पदों पर आवेदन करने का विरोध करता है। निर्णय लेने से पहले हमारी भी विशेष बातों पर गौर किया जाए। अपनी मांगों को लेकर जेवीटी संघ सड़कों पर उतरे और एक रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम ऊना को एक ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है कि हिमाचल प्रदेश जेवीटी बेरोजगार संघ एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक तथा बीएड को जेवीटी के पदों पर नियुक्त के निर्णय पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कुछ बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को अस्थायी रूप से जेवीटी के पदों पर आवेदन करने का विरोध करता है। निर्णय लेने से पहले हमारी भी विशेष बातों पर गौर किया जाए। एक जेवीटी प्रशिक्षु द्वारा प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक बीएड प्रशिक्षु द्वारा किन्हीं दो विषयों को पढ़ाया जाता है। जेवीटी और बीएड के पक्षियों के पाठ्यक्रम में काफी अंतर है। जेवीटी प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और बीएड शिक्षकों की योग्यता स्नातक की डिग्री रखी गई है। योग्यता में भी काफी अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आधी भर्ती पहले ही बैच वाइज करवाई जा चुकी है। शेष पदों पर कमीशन 12 मई 2019 को हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाया जा चुका है, जिसमें लगभग 6000 जेवीटी टेट पास और लगभग 28000 व 3000 के बीच बीएड डिग्री धारकों ने जेवीटी कमीशन की परीक्षा दी और राज्य सरकार के आरएनपी नियमों में भी बीएड वालों के लिए जेवीटी में फिलहाल कोई स्थान नहीं है। ऐसे में भर्ती के बीच में इन नियमों को तोड़ना भी न्याय संगत नहीं होगा। साथ ही बीएड के प्रशिक्षु अभी तक जेवीटी टेट पास नहीं है और ना ही जेवीटी टेट के लिए बीएड कोई योग्यता है। ऐसे में अगर इन्हें जेवीटी कमीशन में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है तो ये टेट पास जेवीटी अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। एनसीटीई के 28 जून 2018 के अधिसूचना के अनुसार ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी बाध्य नहीं कर सकती। ये नियम उन राज्यों की दुर्दशा देखकर बनाए गए थे जिन राज्यों में जेवीटी प्रशिक्षुओं की संख्या कम थी, वहां प्राथमिक अध्यापकों की मांग अधिक थी, जबकि हमारे प्रदेश की स्थिति इस प्रकार से नहीं है। वर्तमान में राज्य में 18,000 से 20,000 जेवीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षित हैं। अब इसमें राज्य सरकार को भी विचार करना होगा कि ऐसे में क्या बीएड प्रशिक्षुओं को जेवीटी के साथ टेट व कमीशन में बैठने देना न्याय संगत है या नहीं। लाखों की तादाद में बीएड प्रशिक्षुओं को जेवीटी के कमीशन में बैठने का मौका देने का मतलब है जेवीटी प्रशिक्षुओं का हक छीनना। जेवीटी प्रशिक्षुओं को अलग से 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि बीएड प्रशिक्षुओं को अलग से। ऐसे में अगर बीएड प्रशिक्षुओं के समान अधिकार प्राप्त होते हैं तो सरकार द्वारा जेवीटी प्रशिक्षुओं को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जेबीटी होती थी तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाती थी, बट उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, टेट कर दिया, कमीशन कर दिया, हमें उससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। बट अभी इन्होंने क्या करा है कि जैसे अपने केंद्रीय विद्यालय थे पहले, उनमें क्या होता था कि सीट एट एलिजिबल कैंडिडेट जेबीटी के नहीं मिल पाते थे, बट अब क्या है, हमारे पास है। उस टाइम पे जब नहीं मिल पाते थे तब इन्होंने बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद यूपी बिहार में भी जेबीटी के टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हो पाते थे, बट उन्होंने क्या करा, बीएड वालों ने वही कॉपी उठा के वहाँ पे लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने वो कॉपी लगा के हमारा हक एक तरह से छीन लिया है और वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी जेवीटी में एलिजिबल करा जाए जेवीटी कमीशन में, जिसके उपरांत सरकार कोर्ट ने सरकार से रिटर्न में मांगा है कि हमें बताइए कि हम क्या करें, इनको एलिजिबल करें बीएड वालों को कि नहीं। फिलहाल उन्होंने अस्थायी रूप से ये बोला है कि सरकार कि हम बीएड वाले इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, भर सकते हैं। तो हम आज ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं कि हमारा हक हमें ही मिलना चाहिए, उसमें बीएड वाले नहीं होने चाहिए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें हमारा हक मिले, बीएड वालों को बाहर किया जाए, क्योंकि आरएनपी रूल्स है जो, उसमें भी यही लिखा है कि 1 to 5th क्लास को सिर्फ जेवीटी वाले ही पढ़ा सकते हैं और 5th to 8th क्लास को अपने बीएड वाले टीजीटी। तो इसलिए आज हम इस प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। अगर
सरकारी फर्दर डिस्कशन होगी पूरे हिमाचल में जो हमारा संघ बना हुआ है उसके हिसाब से हम अगला स्टेप उठाएंगे। वही एसडीएम ऊना के माने तो जेबीटी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है। उन्होंने अपनी कुछ मांगों का ज्ञापन हिमाचल सरकार को हमारे माध्यम से भेजा है जिसको हमने आगे भेज दिया है। एक डेप्यूटेशन मिला जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षण ब्यूरो संघ उन्हें महामहिम राजापाल जी को एक प्रस्ताव भेजा है जो कि उचित माध्यम से उनको भेजा देंगे। उनका कहना है कि जेबीटी कमीशन में जो बीएड वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।